दहेज एक्ट में दंपति के बीच मुकदमेबाजी का फायदा एक विवेचक दरोगा ने उठाया। 3 साल तक पीड़ित महिला का शारीरिक शोषण किया। शादीशुदा दरोगा की पत्नी को जब इसकी भनक पड़ी तो विवाद हुआ। पीड़िता पुलिस अधीक्षक चारू निगम के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची, जहां से जारी हुए आदेश के बाद दरोगा समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दुष्कर्म के आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजा गया। तब थाना दिव्यापुर में एक एसआई का प्रकरण सामने आया, क्या है पूरा मामला? दिव्यापुर थाने में तैनात एक एसआई पर एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2020 में अपने नियुक्ति के दौरान इनके द्वारा दहेज प्रताड़ना का विवेचना किया जा रहा था। विवेचना के दौरान महिला संपर्क में आई, तब से लेकर अब तक बहला फुसला करके एवं जबरदस्ती से उसका शारीरिक उत्पीड़न किया जाता रहा है। महिला के तहरीर के आधार पर दिव्यापुर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। संबंधित एसआई के खिलाफ निलंबन एवं विभागीय जांच की कार्रवाई